कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में. और आज नेचुरली आज मंडे का दिन है और हमारा आपसे मुलाकात का दिन है. पूरा हफ्ता तो हमें देखते भी हैं, लाइव भी और रिपीट भी. बट आज एक नए शो की आगाज़ किया है हमने एक नए टॉपिक के साथ. और ये टॉपिक रखने का मकसद ये था कि हम हमेशा ज़िंदगी में बात करते हैं कि मुझ पे बुरा इन्फ्लुएंस था, मुझ पे शैतान का इन्फ्लुएंस है, मुझ पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले. इन्फ्लुएंस ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इन्फ्लुएंस इंसान की पूरी ज़िंदगी को शेपअप करता है या इन्फ्लुएंस का कोई किरदार नहीं होता? इन्फ्लुएंस क्या रियली कोई चीज़ है भी कि नहीं, कि इंसान सिर्फ अपना ब्लेम किसी और पे डालने के लिए कहते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस था इसीलिए मैंने ये किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो मासूम हूँ. या आखिर इन्फ्लुएंस चीज़ क्या और यह होता भी है कि नहीं होता है? ये सारे जो बहुत सारे सवाल बहुत सारे वालदैन अपने घर में अपने आप से पूछते हैं, बड़े भाई बहन अपने आप से पूछते हैं, हर कोई पूछता है कि जी मेरा इन्फ्लुएंस. कभी कभी कहते हैं बड़े भाई का इन्फ्लुएंस भी अच्छा नहीं, बड़ी बहन का इन्फ्लुएंस भी अच्छा नहीं है. तो ये जो इन्फ्लुएंस का फंडा है ये हम डॉक्टर मोई से तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका कोई एक्सपीरियंस रहा इन्फ्लुएंस के बारे में, या कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, या आपको लगता है आप किसी के लिए अच्छा या बुरा इन्फ्लुएंस है, प्लीज़ कॉल करें, अपनी खामियों को भी देखें और हमसे शेयर करें. और इसके अलावा हमारे जो फेसबुक के फ़ैन पेज के जो मेरे वाले एटलीस्ट जो मेरे फ़ैन पेज के जो ना लोग हैं जो फ़ैन पेज पर आके कमेंट्स करते हैं, उनके लिए जो मैंने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए थे या उनके लिए जो मैंने क्विज स्टार्ट किया था, सो थैंक यू सो मच. बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हेल टीवी को देखने के बाद उधर शिरकत की, उन्होंने उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक. और क्या हो रहा है? मैंने कहा एक तो आज हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि हमारे जो गेस्ट आने वाले थे आज कराची के हालात की वजह से नहीं आ पाए, मगर कोई बात नहीं. तो क्या हालात ने उनको बड़ा इन्फ्लुएंस किया? हर चीज इन्फ्लुएंस करती है ना. जब आप टेलीविजन पे एक ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं तो आप पे असर होना शुरू हो जाता है उसके ऊपर फौरन. अब आप क्या होता है, वो एक कहानी मैंने सुनाई थी छोटी सी, अगर कहो तो सुना दूं, कि एक शख्स को डर था सांप का. उसके जहन में हमेशा ये होता कि कहीं सांप मुझे ना काट जाए, बस ऐसे ही था. एक दिन वो अपनी वेकेशन पे गया, छुट्टियां गुजारने एक बड़ी खूबसूरत रिजॉर्ट पे. तो रिजॉर्ट पे उसने अच्छा कमरा लिया, बड़ा खूबसूरत. शाम को वो बीच अपना पूल पे आके बैठा और स्विमिंग करने के बाद आराम से लेटा हुआ था, ड्रिंक पी रहा था अपनी. तो उसने सुना साथ कुछ लोग थे, वो कह रहे थे इस रिजॉर्ट में कहीं सांप है. सही. अब सांप उसके दिमाग में था, ठीक है, सुना उसने कि सांप है यहाँ पे. खैर रात को वो अपने कमरे में खाना वाना खा के गया, उसने अपने कपड़े शपड़े उतारे, उसका जो बेल्ट था वेस्ट बेल्ट जो था उसने दीवार पे लटका दिया एक हैंगर पे, और अपना नाइट सूट पहन के लेट गया. हाँ, बेल्ट हैंगर पे लटका दिया, नाइट सूट पहन के लेट गया. अब हुआ ये कि रात के किसी वहर उसकी आँख खुली तो रूम के अंदर डिम लाइट थी, नाइट लैम्प चल रहा था. नाइट लैम्प पे उसने देखा कि दीवार पर सांप है. ठीक है, शेडो पड़ा. हाँ, दीवार पे सांप है, उसको नजर आया सांप है. और एकदम से उसका दिल बंद हो गया, यानी हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया. सुबह होटल वालों को पता चला, पुलिस आई, डिटेक्टिव आई, उन्होंने देखा कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक बेल्ट लटका हुआ था. ठीक. अब उस बेल्ट को रात को रोशनी के अंदर जो नाइट लैम्प था उस रोशनी में उसको सांप इसलिए नजर आया कि उसके जहन पर सांप था. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द थॉट ऑफ अ स्नेक, बाई द इमेज ऑफ इमेज ऑफ अ स्नेक. अब जब थॉट में स्नेक होगा तो किसी चीज का इमेज उसको स्नेक नजर आया. ठीक है, एंड ही वाज हिज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस वाज स्नेक. ठीक है, हमारे जो बहुत सारे यानी हमारे जो लोग हैं पब्लिक हैं उनके वॉक्स बॉक्स है, उनका जो वो है कमेंट है वो हम जानते हैं कि उन लोगों पैकेजेस है हमारे, तो उन पैकेजेस को देखते हैं कि उसमें क्या है इन्फ्लुएंस के बारे में और किस तरह हम अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंस होते हैं. तो पैकेज की तरफ चलते हैं. इंसान किसी भी माशरे में जन्म ले, जिंदगी का बेशतर असर अपने अतराफ से ही लेता है. अतराफ से मुराद उसके इर्द गिर्द का माहौल जो उसके जहन के नशरो नुमा पर गहरा असर डालता है. हर तरह की सोबत, चाहे वो दोस्त अहबाब या घर में वालदैन या बहन भाई, रिश्तेदार वगैरह वगैरह, हर रिश्ते का इंसानी नशरो नुमा में शख्सियत को शक्ल देने में काफ़ी असरअंदाज होती है. इंसान अपने रवैये आदत व अतवार से पहचाना जाता है. यहीं से पता चलता है कि उसने किस तरह के माहौल का सामना किया है. ताकत की बुनियाद पर माशरे में अपना असर कायम करने के लिए कुछ लोग सियासतदानों का असर लेते हैं और वो किसी फर्द वाहिद के मकसद को अपना मकसद समझकर गलत रास्तों का भी इंतखाब करते हैं. चोरी, कत्ल, खून गारत तीसरी दुनिया के मुल्कों का मुकद्दर शायद इसलिए भी है कि गलत काम अमूमन ऐसे माहौल में निजात की राह दिखाते हैं. अच्छा असर घर से शुरू होता है, मगर हम इंसान
माशरे में घर के अलावा और भी जगहों से सीखते हैं। अच्छा असर शायद जहन का शऊर भी है, जो किसी तरह के भी बुरे हालात में सही गलत की तमीज कर सके। मगर ये इम्तिहान हम में से कई को आजमाइश में डाल देता है, और ज्यादातर यही होता है। बुराई अच्छाई से जल्द असर कर सकती है, मगर क्यों? सोबत का इन्फ्लुएंस, लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, लोग बदतमीज़ी करना भी सीख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो रिलीजन की तरफ चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग पढ़ाई की तरफ मतलब उनका रुझान हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हर तरह की सोबत का अलग अलग असर होता है हर इंसान पर। लेकिन क्या ये सोबत हम क्यों अडॉप्ट क्यों करते हैं? सोबत तो है, लेकिन क्या हमारा जहन एक इतना वीक चीज़ है कि किसी की भी सोबत को अडॉप्ट कर ले? और आज मैं देखती हूँ कि हमारा जो ये अनाउंसमेंट है जो मैं अभी करने वाली हूँ, ये हमारे कॉलर्स पे कितना इन्फ्लुएंस करता है कि जो लाहौरीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस वीक हम लाहौर आ रहे हैं, तो लाहौर के वाउचर्स बटने वाले हैं। सैटरडे को रेकी की वर्कशॉप है सनफोर्ट में, तो एक होगा रेकी का लकी ड्रॉ, और संडे को वर्कशॉप है फोर डायमेंशन की, तो एक लकी ड्रॉ होगा फोर डायमेंशन का। तो लाहौरी स्टार्ट कॉलिंग। बड़ी कंप्लेंट्स आती है जी लाहौर में कम वर्कशॉप होती है, वाउचर्स कम बटते हैं। तो आज लाहौरी देखते हैं आप कितनी कॉल करते हो, ये अनाउंसमेंट आपको कितना इन्फ्लुएंस करता है ये भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज लाहौरियों को तो एक चीज बताना, जो एक बहुत बुरा हादसा हुआ पाकिस्तान में भोजा एयरलाइन का, उसने तुम पे भी कितना इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, हुआ अच्छा, हाँ, I am so influenced, मैं प्लेन में नहीं जाऊंगी। नहीं, मगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, वजह पता है क्या है? अतराफ की चीजें हम इन्फ्लुएंस करती है हमें, मगर हम आज इन्फ्लुएंस की डिफरेंट लेयर्स को देखेंगे। मेरे साथ तो मसला है कि अगर पहले जब एयर ब्लू वाला हुआ था, जब हुआ था उस वक्त, तब उस वक्त तो ऐसा था कि मैं जब भी उस वाली एक एयरलाइन में बैठती थी कि हाँ इस ब्रांड की एयरलाइन में बैठ रही हूँ, तो आई यूज टू गेट, यू नो, आई यूज टू गो टू द वॉशरूम अलॉट। ठीक है, मुझे एंजाइटी होती थी। अब तो मैं प्लेन, दुनिया का कोई प्लेन हो, खैर मैं बाकी प्लेन्स की तो बात नहीं करी, उन पर थोड़ा बहुत मुझे भरोसा है, लेकिन एटलीस्ट हमारी कोई प्लेन्स हो तो मुझे तो अक्सर एक ही, वो जो न्यूज़ चली थी ना पूरी रात, 7 बजे से ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी भोजा एयरलाइंस की, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, सीरियसली। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, बीच में एक नेशनल ज्योग्राफिक मेरा फेवरेट चैनल, तुम्हें पता है, उन्होंने एक सीरीज दिखाई थी एक्सीडेंट। उस जमाने में तुम्हारी दादी को मुझे अमेरिका लेके जाना था, उन्होंने वो रात को सीरीज देखी, कई दिन तक चली, 24-25 हादसा दिखाए, हादसात थे। उसके बाद बहरहाल मैं उनको लेके गया, मैंने सिर्फ उनको एक बात समझाई, ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि जितने लोग दुनिया में सड़क क्रॉस करने में मरते हैं, यानी सड़क को क्रॉस करने में मरते हैं, उससे कहीं कम एयरलाइन के हादसात में अमवात होती है। सर जी, एटलीस्ट सड़क क्रॉस करने में अपना खुद का डिसीजन होता है, एयरलाइन में से दरवाजा खोल के भाग भी नहीं सकते, नहीं। ना खुद का डिसीजन होना चाहिए। जब व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट, उसमें आपका डिसीजन है, आपने लेफ्ट देखा, राइट देखा, आपने क्रॉस कर लिया, राइट। मगर कहीं से कोई बंदा आ जाए, चलो कुछ तो चांसेस है ना, बंदा बच जाए, कुछ नजर आ रहा है, उसमें तो हवा में क्या करोगे आप? मैं जब ओकारा में वर्कशॉप में, ओकारा में भी वर्कशॉप करता था, फैसलाबाद पे बंद कर दिया, टाइम नहीं है। फैसलाबाद जब मैं वर्कशॉप करता था, वहाँ मैंने एक अजीब गरीब चीज़ देखी। फैसलाबाद में बंदा जब रोड क्रॉस करता है, तो वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, वो सामने देख कर रोड क्रॉस करता है। तो उसकी गलती है ना। मैं तो खैर फिर उन बाशऊर लोगों की बात करूँगी, जब जो रास्ता अपना क्रॉस करता है तो दाएं बाएं देखते सही जाते हैं। और वैसे भी मतलब कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने एक स्टेटिस्टिक पढ़ा था कि एयर कोलिजन हमारे यहाँ पे होते होते बचते हैं। हमारे पायलट्स का ही कहना है कि महीने में एक बचता है, उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजंस है ना, अब वो रीजन हमारे साथ ना हो जाए, एक बर्ड का हिट करना, क्योंकि हमारे से बहुत सारी गलतियाँ हुई है, इन्फ्लुएंस हम हो जाते हैं ना चीज़ों से, तो बहुत सारी गलत, बर्ड हिट जो होते हैं, परिंदा का टकराना जहाज से, वो अक्सर होता है। चले छोड़े ना, मगर उसको छोड़ो, आज हम बात करते हैं। अच्छा मुझे बता, एक इंसान के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, हमारे साथ एक कॉलर है, फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मीरपुर से फरीहा बोल रही हूँ। मीरपुर से बड़े अरसे बाद कॉल आई, कैसी है जी? मुझे पता है आजाद कश्मीर, कैसी हैं? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त उसामा, वो भी मीरपुर का है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। जी करें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हूँ और आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अगर आपके पास टाइम हो तो एक क्वेश्चन है मेरा। जी जरूर पूछिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी वर्कशॉप 4D मैंने की है, उसमें आप ये कहते हैं कि हमें जो है अपने आप से बोस्ट करना है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना है। बिल्कुल सही। एम आई राइट? बिल्कुल सही। लेकिन इस्लाम में अगर देखा जाए, अल्लाह ताला कहता है कि आपने अपने आप को बिल्कुल
अगले के पैरों में गिराना है, आपने अपने आप को कुछ नहीं समझना, अपनी मैं को खत्म करना है, ठीक है। तो मुझे पता है आपके जो सारा सिस्टम सब कुछ होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन ये चीज मुझे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही थी। मैं आपको जी इतना आसानी से समझाता हूँ कि आप मुझे आज नमाज पढ़ने के बाद दुआएं देंगी, चले आप लोग लाइव देख लीजिएगा, आपको मैं बिन कहे देती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा आप मुझे बताएं मीरपुर से लाहौर जा सकती हैं? जी मैं इस वीकेंड पे जा रही हूँ एंड आई एम डाइंग टू अटेंड द रेकी। मैं आपके दोनों वर्कशॉप में नाम लिख रही हूँ, देखते किसका वाउचर निकलता है, या मैं आपका सिर्फ रेकी में लिख देती हूँ, जिसमें भी वाउचर निकल जाता है आपका तो मैं आपका नाम लिख रही हूँ, ठीक है? प्लीज रेकी में कर दीजिए। जरूर जरूर, थैंक यू। मैं देखती हूँ जिसका निकलता है, बट आपका नाम लिख लिया मैंने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी एक कॉलर है, लेकिन आप पहले इनका जवाब। इनका बड़ा सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़ा जरूरी है। जो शख्स सरेंडर करता है अनकंडीशनली वो सबसे ज्यादा ब्रेव और करेजस होता है, क्योंकि कंडीशन पे जब आदमी सरेंडर करता है वो कमजोर आदमी करता है। याद रखो जब आप लड़ नहीं सकते तो आपने कहा अच्छा मैं हथियार डाल रहा हूँ क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता, मगर अल्लाह ताला ने अगर आपके अंदर हिम्मत हौसला और ताकत दी है उसके बाद आप कहते नहीं एक बड़ी हस्ती है मेरे मुझसे बड़ी हस्ती है जो मेरा खालिक है मेरा मालिक है और मैं अपनी तमाम अकल दानिश इल्म के बावजूद अपने आप को अनकंडीशनल सरेंडर करता हूँ उस जात के आगे, बोल्ड आदमी कर सकता है, कमजोर आदमी कर सकता। कमजोर आदमी नहीं कर सकता कि अपनी सारी सलाहियतों को जानने के बाद कि आपका जहन एक ऐसी सलाहियत रखता है कि क्रिएटिवली विजुलाइज करके यू कैन गेट एवरीथिंग, बट आफ्टर दैट यू सरेंडर योर सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्रेवरी। हमारे साथ एक और कॉलर मोहम्मद हुजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुजूर साहब, हेलो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, कट गए, मोहम्मद हुजूर साहब कॉल खुल गए। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से आने के बाद मुझे बड़े सारे सवाल डॉक्टर मोहित से पूछने, आपको भी पूछने होंगे। लाहौरी कॉल करें, क्या ये अनाउंसमेंट ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया? मुझे लगता है कोई आज कोई अप नहीं है, तो आप प्लीज़ जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, स्टार्ट डायलिंग आ नंबर, कीप कॉलिंग एंड सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।